दोस्तों, आप सभी का एसेसिबल एजुकेशन में स्वागत है। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज कंप्यूटर के से संबंधित सभी प्रश्न जो पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। हम आपके लिए एग्जाम संबंधित वीडियो लेकर आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक पीसी में विभिन्न कार्ड को कार्य करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वो होता है डीसी की। हार्ड डिस्क स्वरूपण किस प्रकार की फाइल आवंटन तालिका बनाता है? ये उच्च स्तर की। मुद्रित सर्किट बोर्ड का नाम क्या होता है? मदरबोर्ड। ये बार बार पूछ जाता है दोस्तों, मुद्रित सर्किट बोर्ड। फिर कहते हैं यार ऐसा क्वेश्चन तो सुना ही नहीं, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। मुद्रित सर्किट बोर्ड भी होता है दोस्तों। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके समय और डेटा को नियमित बनाए रखता है? सीएमओएस रैम। आईआरक्यू एक आमतौर पर किसके लिए असाइन किया गया है दोस्तों? कीबोर्ड के लिए। एलसीडी मॉनिटर के रूप में जाना जाता है। टीएफटी एक रोम में संग्रहित डाटा का एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता है, यह सच है दोस्तों। विनचेस्टर ड्राइव को भी को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीडी रोम में एक डेटा को लिखने और मिटाने को फिर से लिखने के लिए आपको किस प्रकार के सीडी रोम का सहारा लेना पड़ता है, उपयोग करना चाहिए वो सीडी रो का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है। एक ही एक बाइट में, एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के दोस्तों, ये 8 बिट के बराबर होता है। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन सा स्लॉट मदरबोर्ड विस्तार का स्लॉट नहीं है? एटीएक्स का। एक उच्च घनत्व फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा का समायोजन रखती है? 144 MB। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। एक सीपीयू क्या शामिल होता है? एक सीपीयू में क्या शामिल होता है? एक नियंत्रण इकाई और एक अंक गणितीय तर्क इकाई। देख दोस्तों, ये बार बार पूछ जाता है। एक सीपीयू में क्या शामिल होता है? एक नियंत्रण इकाई, एक अंक गणितीय तर्क इकाई। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग दोस्तों, इसे मल्टीटास्किंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो उसको दिए गए स्थायी निर्देशों को वो जिसको वो बदल ना सके वो किसमें सेव रहते हैं? ROM में, रॉम। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में काम करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में स्थित होती है? एनालॉग डेटा। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन ले जाना चाहते हैं तो इसे कहा जाता है ड्रॉगिंग। एक दस्तावेज अपने मौजूदा कंटेंट में बदलाव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? एडिट। कंप्यूटर को किसी प्रोग्राम में लाने के लिए डिस्क को कहाँ लगाते हैं? डिस्क ड्राइव में। सिस्टम यूनिट का हिस्सा कौन सा है? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो निर्देशों को आसानी से समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली। उसे दोस्तों यूजर फ्रेंडली कहते हैं। संगणना और तार्किक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? ALU के द्वारा। दुनिया भर के लाखों लोगों को कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क से जोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट। जब आप विंडो में काम करते हैं तो सभी विकल्प जहाँ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आइटम बार। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल नाम के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? एक्सी का। दोस्तों ये थे आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी जरूर करें दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।